हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ शिमला मिर्च से बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इस मज़ेदार सी रेसिपी यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड बनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज कैप्सिकम लिए हैं। इन सभी को अच्छे से धोकर राउंड शेप में कट कर लेंगे। इनके अंदर जो बीज है उसको निकाल देंगे। सभी को मैंने कट कर लिए। देखिए, अब इनमें दे दूंगे 1 चम्मच के बराबर नमक। देखिए, अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के रख देंगे। अब एक ग्राइंडर में दे देंगे 1 प्याज, 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंची अदरक, 4 हरी मिर्ची, जो बची हुई शिमला मिर्च उनको बारीक काट के हम दे देंगे। इसमें 1/2 कप भीगी हुई मसूर की दाल दे देंगे और इसमें देंगे 1 चम्मच नमक। इन सभी को पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, पेस्ट हमारा बन चुका है। नेक्स्ट पैन में दे दूंगी 1 चम्मच के बराबर तेल। इसको गर्म होने देंगे। अपने सर्कल शेप के जो शिमला मिर्च को कट कर रखा था वो इसके ऊपर दे देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। शिमला मिर्च मसूर दाल का जो पेस्ट बना रखा था वो इसमें देखिए फिलिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से सब कुछ फिलिंग करने के बाद ढक के इसको हम 5 मिनट कुक होने देंगे। 1 साइड 5 मिनट उसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसको ढक के 5 मिनट फिर से कुक होने देंगे। पलट पलट के 5 मिनट तक कुक करने के बाद सो फ्रेंड्स बनके तैयार हो चुका है हमारा रेसिपी। इसको आप चाहते इवनिंग के स्नैक्स में बना के खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और हेल्दी भी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो को अच्छी लगी और मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए।